मैं तो आम आदमी हूं जी, चप्पल पहन के घूमता रहा, एक 5 रुपए की पेन खोज के घूमता रहा। ये दिखाने के लिए था या सही मायने में था? आज पता चला है समय के साथ कि ये सही नहीं है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के आवास के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, एक मुख्यमंत्री अगर सरकारी आवास को इस स्टैंडर्ड का बनाता है तो इसमें गलत क्या? गलत है, नियमतः ये नियमों का उल्लंघन है। पहली बात, एज पर रूल इट इज नॉट परमिसेबल। दूसरी चीज, सवाल उठता है कि वो व्यक्ति यही छल करके कि मैं तो 2 कमरे के रूम में रहना चाहता हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ जी, चप्पल पहन के घूमता रहा, एक 5 रुपए की पेन खोज के घूमता रहा। ये दिखाने के लिए था या सही मायने में था? आज पता चला है समय के साथ कि ये सही नहीं है। वो जो 5 रुपए की पेन खोज के घूमता था अरविंद केजरीवाल, वो वियतनाम की मार्बल मंगा के उस पे चलना चाहता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो 45 करोड़ नहीं है और कम। थोड़ी सी बात मैं जनता से बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात कर। तो ये आपने साफ तौर पर देखा और सबसे खास बात यही है कि आप देखिए कि दूर दूर तक जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं और दूसरे जिलों से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि जो 45 करोड़ बताया जा रहा है दरअसल वो कम है, 30 करोड़ के आसपास का है और दूसरा रिनोवेशन हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जो भी फैक्ट है वो सब सामने है। टेक्निकल सेंक्शन होती है पीडब्ल्यूडी की, वो टेक्निकल सेंक्शन 45 करोड़ की है। हैरानी इस बात की होती है कि कैसे नियमों को तोड़ा जाए, कैसे नियमों का उल्लंघन किया जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी के लोग माहिर हैं। इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा की जो उनकी हैसियत नहीं थी, इसको बचने के लिए 9,99,00,000 का मैजिक फिगर लिया है और उसकी आपने सेंक्शन दे दी। और वही केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि मुझे तो बंगला की जरूरत नहीं, मुझे तो 4 कमरों का फ्लैट चाहिए, वो अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, वो अपने बंगले के में करोड़ों रुपए की पर्दा लगाते हैं, वियतनाम से मंगाया हुआ विदेशी मार्बल इस्तेमाल करते हैं, 65 लाख की किचन बनाते हैं। सवाल ये है कि आप राजनीति में आम आदमी की बात करते थे, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन आज केजरीवाल जी करोड़ों के पर्दे के पीछे भी जिस तरह से बेपर्दा हुए हैं, दिल्ली की जनता आज थूथू कर रही है कि केजरीवाल जी जवाब दीजिए कि आपने 45 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का खर्च क्यों किया, और उस समय जब दिल्ली की जनता को कोविड के समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो ये इशारा था कोरोना काल की तरफ और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं अलग अलग जिलों से आकर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राम किंकर सिंह।